मानस मूलतः बनारस से हैं, लेकिन पिछले 12 सालों से बेंगलुरु में रह रहे हैं। पहले 5 साल इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थित किसी स्टार्टअप में काम किया, अब भी वहाँ काम करते हैं, लेकिन वो स्टार्टअप अब यूनिकॉर्न बन चुका है। बहरहाल अपनी वाइफ और बच्चों के साथ मानस अब बेंगलुरु में ही बस गए हैं, अच्छा कमाते हैं। वहाँ के पॉश इलाके कोरामंगला में खुद का आलिशान 4 BHK फ्लैट खरीद लिया है। कम्युनिटी भी उनके जॉब उनके स्टेटस की तरह ही आलिशान है। मात्र 18 किलोमीटर के ऑफिस का सफ़र तय करने में जान हलक तक आ जाती है सेंट्रल सिल्क बोर्ड में लगने वाले जाम के चलते। हालांकि ये जाम मराठहल्ली या हिब्बल ट्रैफिक जाम जितना लंबा नहीं है, लेकिन कभी कभी देर मानस को मडेवाला ट्रैफिक जाम के चलते भी हो जाती है। यूं मानस का ऑफिस 10 बजे शुरू होता है, लेकिन शिफ्ट 8 बजे से है, और रोज़ की तरह ही मानस को आज भी जल्दी है। और उठते ही मानस कूच करते हैं बाथरूम, लेकिन बाथरूम में ज़रूरत होती है पानी की, जो कि अभी नहीं आ रहा, क्योंकि अब दिन भर में सिर्फ 2 घंटे के लिए आता है। आज शायद वो भी नहीं आया, टंकी नहीं भरी। पड़ोस से एक बाल्टी पानी उधार लेने गए तो पता चला कि मानस के घर की स्थिति पूरी सोसाइटी की स्थिति है, और फिर पता चला पूरे बेंगलुरु में ही ट्रैफिक से भी बड़ी आफत पांव पसार रही है। शहर वाटर सप्लाई की समस्या से जूझ रहा है, दिन में पानी नहीं आता है, रात में जो पानी आता है उसमें मिट्टी होती है, ऐसे पानी से नहाया भी नहीं जा सकता। सोसाइटी एसोसिएशन ने खाने पीने के लिए डिस्पोजेबल बर्तन का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। कुछ लोग तो जिम में अपने एक्स्ट्रा कपड़े लेकर जा रहे हैं जिससे कि वहीं पर नहा सके। हालात इतने ख़राब हैं कि मजबूरन पास के फोरम मॉल में टॉयलेट इस्तेमाल करने जाना पड़ता है। 1 करोड़ से ज़्यादा का हाउसिंग लोन लेकर एक पॉश इलाके में घर खरीदा था, और अब ये कंडीशन है कि पानी के लिए टैंकर के सामने लाइन लगानी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि डिप्टी CM DK शिवकुमार और CM सिद्धारमैया के घरों में भी पानी के टैंकर जाते हुए देखे गए। पर जब हालात इतने ख़राब हो जाएँ कि प्रदेश के CM तक को बेसिक सुविधाएँ ना मिल पाएँ तो सवाल उठेंगे ही। अगर किसी राज्य का मुखिया ही टैंकर के पानी पर जीने लगा तो सोचिए समाज के निचले तबकों का क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, और आसान भाषा में आज समझते हैं कि आखिर देश के विकसित शहरों में गिना जाने वाला बेंगलुरु पानी के लिए आज क्यों तरस रहा है। बेंगलुरु नाम सुनते ही जहन में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? चमचमाती सड़कें, गगनचुंबी इमारतें, ऊंचे स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, IT कंपनियों का पसंदीदा शहर, कमाल का मौसम, अच्छा AQI। इस शहर को भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स इसी शहर में है। माने कुल मिलाकर ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में देश का सबसे उन्नत शहर, लेकिन फिलहाल ये शहर पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता की कमी से जूझ रहा है। सबसे पहले जानते हैं बेंगलुरु को कितने पानी की ज़रूरत है। बेंगलुरु की कुल आबादी करीब 1,40,00,000 के आसपास है। रोजाना पानी की खपत या यूं कहें कि जरूरत 260 से 280 करोड़ लीटर प्रतिदिन है। इसमें करीब 170 करोड़ लीटर पानी कावेरी नदी से आता है। बाकी जरूरतों के लिए यहाँ के निवासी बोरवेल पर निर्भर हैं। वर्तमान समय में सिर्फ 100 से 120 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई हो रही है, माने इस वक्त ज़रूरत से लगभग 150 करोड़ लीटर पानी कम मिल रहा है। बेंगलुरु के 3,000 से ज़्यादा बोरवेल सूख चुके हैं। पूरे कर्नाटक में सूखे की वजह से 236 में से 223 तालुके प्रभावित हुए हैं। बेंगलुरु में पानी की किल्लत के पीछे मुख्य 3 कारण बताए जा रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग कारणों का दावा किया जा रहा है, पर उन सभी का सारण 3 वजहों में आकर सिमट जाता है। कोई इसके लिए बारिश में कमी को जिम्मेदार बता रहा है, कोई बढ़ती आबादी को, पर सब कुछ इतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है। समस्या के कारण क्या क्या आपको विस्तार से बताते हैं। इस समस्या के कारण क्या हैं? पहला है बारिश की कमी, दूसरा कारण है भूजल यानी जमीन के नीचे पानी के स्तर में गिरावट, और तीसरा है अपर्याप्त और अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए तो इनमें से 2 कारण, बारिश में कमी और भूजल का स्तर गिरना, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर बारिश कम होती है तो निश्चित तौर पर पानी को स्टोर करने वाली नेचुरल जगह हैं जैसे नदी, झील, कुएं, तालाब आदि में पानी कम होना शुरू होगा। पानी के ये नेचुरल स्टोरेज सीधे तौर पर ग्राउंड वाटर माने भूजल से जुड़े होते हैं। भूजल स्तर के नीचे जाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि समुद्र तल से बेंगलुरु की ऊंचाई 920 मीटर है। इतनी ऊंचाई पर जमीन के नीचे का पानी और भी नीचे चला जाता है। अगली वजह जो तमाम एक्सपर्ट्स भी मजबूती से गिना रहे हैं वो ये है कि बिना प्लानिंग के बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। पिछले कुछ दशकों में बिल्डिंग्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए बेंगलुरु और उसके आसपास के तमाम जलाशयों को पाटकर समतल कर दिया गया, लिहाजा समय के साथ जलाशयों की संख्या कम होती गई। पर शहरीकरण इस कदर जोरों पर था कि ना सरकार ना उन बिल्डर्स को ये ध्यान रहा कि आबादी बढ़ने के बाद उनकी पानी की ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाएगा, और आज इसका खामियाजा पूरी आबादी भुगत रही है।
इस मुद्दे को और बारीकी से समझने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर से, सुनिए उन्हें। देखिए, सबसे पहला जो कारण जो समझ में आता है वो ये है कि शहर का जो विकास हुआ है वह एक बहुत बड़ा कारण है। आंकड़े के हिसाब से अगर मैं बताता तो 2011 और 2021 के बीच में यहाँ की जनसंख्या जो है वह 47% बढ़ी है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है कि 80 लाख से भी कम आबादी वाला बैंगलोर जो है आज 1,30,00,000 लोगों का घर बन चुका है जो यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस तेजी से जनसंख्या का विकास हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, उतने उससे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी के कारण चलते हुए देख रहे हैं कि ये जो पानी की किल्लत आ रही है, वो जो नए रेजिडेंशियल एरिया डेवलप हुए हैं जिनका विकास हुआ है जो कि लेक्स के आसपास नहीं है, वहां पर ये दिक्कत जो है वह बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है। हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताया कि बेंगलुरु में पहले जंगल ठीक ठाक मात्रा में थे। जंगल के एरिया को साइंटिफिक भाषा में फॉरेस्ट कवर कहा जाता है। पिछले एक दशक में बेंगलुरु ने जिस तरह से विस्तार किया है उसका फॉरेस्ट कवर 38% से घटकर 20% से भी कम हो गया है। लिहाजा मानसून से पहले अप्रैल में जो बारिश हुआ करती थी वो अब नहीं होती। पानी के नेचुरल स्टोरेज और उनकी घटती संख्या भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। समझ में आता है कि एक समय था जब बैंगलोर जैसे शहर में 100 से ज्यादा लेक्स हुआ करते थे, आज उनकी संख्या जो है घटके 20 के आसपास रह गई है, और जिसमें से भी कुछ अब डाइंग लेक्स जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें की पुनर्जीवित करने के प्रयास चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स होता था कावेरी के अलावा, वो धीरे धीरे उसकी जो वाटर लेवल है, वाटर टेबल जो है वह घटता जा रहा है। इसके कारण जो बोरवेल सूख चुके हैं, 13,900 जो सरकार का आंकड़ा है कि उतने बोरवेल्स बेंगलुरु शहर में हैं, उसमें से लगभग आधे जो हैं वे सूख चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है खास करके बड़े रेजिडेंशियल प्लॉट्स में या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में जो कि पूरी तरह से बोरवेल पर निर्भर होते हैं। हमने बेंगलुरु की समस्या समझी, समस्या की वजहें जानी, आगे क्या रास्ता है ये भी आपको बताते हैं। क्या बेंगलुरु के निवासियों को शहर छोड़ना पड़ेगा? शायद नौबत तो ना आए, पर आने वाले समय में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बेंगलुरु भारत के लिए एक बुरे सपने की तरह हो सकता है। सरकार इस समस्या से लड़ने के लिए कई कदम उठा रही है। हमने कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी देखी थी, अब बेंगलुरु में पानी के टैंकर्स की कालाबाजारी हो रही है। सरकार इस पर सख्ती करने की बात तो कह रही है, इसके लिए सभी टैंकर मालिकों को 7 मार्च तक उनके सारे टैंकर्स को रजिस्टर कराने को कहा गया है। राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, बेंगलुरु शहर में कुल 3,500 पानी के टैंकरों में से केवल 10% यानी 219 टैंकरों ने अधिकारियों के साथ रजिस्टर कराया है। यदि वे समय सीमा से पहले पंजीकरण नहीं कराते तो सरकार उन्हें जब्त कर लेगी। डिप्टी सीएम के मुताबिक सरकार उन सभी जगहों को चिन्हित कर रही है जहां से पानी मिल सकता है। साथ ही कर्नाटक सरकार का लक्ष्य हर किसी को उचित रेट पर पानी उपलब्ध कराना है। अगर आप बात कर रहे हैं तो सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है, मैं कहूंगा कि वे फेल हो चुकी हैं कि इस समस्या का वो इस स्टेज तक आने में, क्योंकि जब बात की गई थी कई दशक पहले कि ग्राउंड वाटर की समस्या हो सकती है, तो तब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो एक ट्रेडिशन रहा है उसको लगभग खत्म सा हो गया है क्योंकि उसका इन्फोर्समेंट बराबर नहीं रहा। लेकिन अगर सरकार दोषी है तो लोग भी उतने ही दोषी है, क्योंकि वाटर रीचार्जिंग जो है या ग्राउंड वाटर को रिफिल करने की जो जिम्मेदारी एक नागरिक की भी उतनी है जितनी की सरकार में है। तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कानून जरूर बन गए लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन न लोगों ने की न सरकार ने उसकी मॉनिटरिंग की कि लोग उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ सरकार को दोषी ठहराना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी उतने ही बड़े दोषी हैं, क्योंकि हमने इस एसेंशियल जिसे एलिक्सिर ऑफ लाइफ बोला जाता है पानी को, उस चीज को हमने इतना तवज्जो नहीं दिया जितना कि देना चाहिए था। लेकिन ये जो संकट अभी जो 30-40 साल के बाद आया है, शायद ये एक आई ओपनर है जिसके चलते हुए सबको, सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वे नागरिक हैं, चाहे सरकार है, गवर्नमेंट मशीनरी है और अन्य लोग जो हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, सबकी जिम्मेदारी अभी बन गई है कि भले ही इस मानसून में क्राइसिस है लेकिन इससे सबक सीख के आगे बढ़ना है,
कि एक बार दोबारा इस तरह की परिस्थिति ना हो कि पीने के पानी के लिए भी लोग तरस जाए। मौसम के अनुमान बता रहे हैं कि साल 2024 में कर्नाटक में और भी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। सरकार के आकलन के मुताबिक 10 फरवरी के बाद राज्य के 7,082 गांव और बेंगलुरु के 1,193 वार्ड्स में पानी का संकट और गहरा सकता है, इसलिए जब तक वापस से बारिश नहीं होती तब तक किसी भी बड़ी राहत की उम्मीद बेमानी है। अंत में एक सवाल जो हम इंसानों को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए, सवाल ये कि विकसित होने के लिए हम क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? जंगलों को काट कर हमने कंक्रीट के जंगल तो बसा लिए, पर ये टिकेंगे कब तक? और हम ये सवाल तभी क्यों उठाते हैं जब बेंगलुरु में संकट आता है, जब केदारनाथ में झील का बांध टूट जाता है? ये सवाल नॉर्मल दिनों में हमें परेशान क्यों नहीं करता? जवाब है कीमत, विकास की कीमत। जब तक खुद पर नहीं गुजरती हमें समस्या समस्या नहीं लगती। उम्मीद है बेंगलुरु की स्थिति देखकर भारत के बाकी राज्य कुछ सबक लेंगे और पानी की समस्या पर गहन विचार करेंगे। बहरहाल आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।